चाहता हूँ, ठीक है, जिससे आप सभी लोग आज इस सेशन को खत्म करने के बाद ये सेशन हमेशा आपके जहन में घुस जाएगा, ठीक है। पहले तो मैं चाहता हूँ जितने भी हैं हर कोई अपनी वीडियो ऑन करिए फटाफट, जितने भी बिल्कुल वीडियो ऑन कर लीजिए सब, कैसे भी बैठे हो, ऑयलिंग कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, फेस वॉश नहाए भी नहीं अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ हर कोई अपना फेस दिखाए मुझे यहाँ पे, आप कैसी भी कंडीशन में हो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, हर एक इंसान का मुझे फेस दिखना चाहिए अभी यहाँ पे, एक्टिविटी करने में मजा तभी आएगा। अभी रह गए हैं 3-4 लोग, नहीं ना है कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अभी सो के उठे कोई दिक्कत नहीं है, श्रियांशी की तरह अभी बैठी भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबका फेस मुझे दिखना चाहिए। अभी रह गए हैं 2-3 लोग, अभी भी रह गए हैं, अब्दुल नाजिर रह गए हैं, अश्विनी रह गए हैं, मोनिका रह गई हैं, वर्षा रह गई हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी सोकर उठे हैं, क्या हुआ? अभी सोकर उठे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तो सोकर उठा हूँ अभी, मैं तो नहाया भी नहीं अभी तक। कोई दिक्कत नहीं है, सबका चेहरा मुझे दिखना चाहिए। अभी भी रह गए अश्विनी, अश्विनी इसका मतलब होगा नहीं यहाँ पे पक्का, वर्षा और अब्दुल रह गए हैं, कर रहे हैं। या तो इंसान मीटिंग ही छोड़ देगा आज, या फिर इसको जहन में वो लेके ही जाएगा आज। इतनी देर तक कैसे रहे? कोई बात नहीं, अब आप म्यूट कर लीजिए सब, और जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूँ आपको सिर्फ वो करना है आपको, ठीक है। क्लोज योर आईज एवरीवन, बिल्कुल क्लोज योर आईज, और जो जो मैं बोल रहा हूँ ना सिर्फ उसको आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ क्लोज योर आईज एवरीवन। सबकी आईज बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए, क्लोज योर आईज एवरीवन, ठीक है। एक सेकंड का मेडिटेशन तो यही हो गया। अब आप ये सोचो अपने दिमाग में कि यार मैं ना बहुत अच्छा कर रहा हूँ, पहली बात तो, ठीक है, ये सोचना है आपको, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मैं अपनी फैमिली का फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, जो मैं कर रहा हूँ आज तक मेरी फैमिली ने ना तो कभी सोचा ये काम करने का, ना किसी के जहन में आया, मेरे को भी स्टार्टिंग में बहुत डर लगा, बट फाइनली मैंने कहीं ना कहीं एक डिसीजन लिया और आज मैं इसको कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ, ठीक है। आपके दिमाग में होना चाहिए यू आर दी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ऑफ योर फैमिली, तो थोड़ी सी शाबाशी दो अपने आपको कि यार फाइनली आई एम डूइंग गुड, आई एम द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ऑफ माई फैमिली एंड आई एम डूइंग ग्रेट। दूसरी चीज, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार देखो अगर मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ अपनी फैमिली का तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और जो कि आ भी रही हैं, बट मुझे यहाँ पे हारना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मैंने हार दिया यहाँ पे और अगर मैं स्टेप पीछे ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं जो आगे आने वाली जनरेशन है वो अपने आप को फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बोलेगी, मैं नहीं बोल पाऊंगा या फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा। सो ये जो हक भगवान ने कह लो या फिर किसी ने भी, एक आपके लक ने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपके सामने रख दिया है जिससे आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, उसको जाने नहीं देना है। पहले बार तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, अभी आ भी रही हैं, आ चुकी भी हैं, आने भी वाली हैं और आगे भी आएंगी, ठीक है, बट गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, क्योंकि यू आर द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ऑफ द फैमिली, हमेशा दिमाग में ये रखो। प्लस जो आप काम आप यहाँ पे कर रहे हो ना वो आपको पावरफुल बना रहा है, डे बाय डे आप पावरफुल बनते जा रहे हो, डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। अब आ जाते हैं आपके घर में, अब सोच के चलो ये बहुत बड़ी अर्थ है, अर्थ आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, अर्थ बहुत बड़ी अर्थ आ गई, ठीक है, अर्थ आ गई आपके दिमाग में सबके। अब वहां पे एशिया आ गया, एशिया के बाद इंडिया आ गया, इंडिया के बाद जो आपकी रेस्पेक्टिव सिटीज हैं, स्टेट्स हैं, वहां चले जाओ, जो राजस्थान से राजस्थान में, जो और कहीं से यूपी से हरियाणा से पंजाब से, जो आप जहां से अपने अपने स्टेट में पहुंच जाओ, ठीक है, उसके बाद अपने अपने शहरों में आ जाओ, और उसके बाद अपने शहरों के अपनी गलियों में आ जाओ जिस गली में आप रहते हो, और अब वहां आ जाओ जिस रूम में आप बैठे हो, ठीक है। अब आपने देखा कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी बड़ी दुनिया है,
एंड आप इस छोटे से चार दीवारियां बैठे हो अभी, बट आप यहाँ पे अब रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो। जो आप कंटेंट यहाँ पे आप बना रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, अब यहां से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, अपने आसपास देखो, जिस गली में आप बैठे हो आसपास देखो लोग क्या कर रहे हैं। कोई परचून की दुकान पे बैठा है, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी घर में लड़ाइयां हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बिल्डिंग अ एम्पायर फॉर योरसेल्फ। सोच के देखो, आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जो ये काम कर रहा है, एफर्ट डालने की सोच भी रहा है, और आप इस काम को कर रहे हो, तो प्राउड ऑन योरसेल्फ। और दिमाग में डालो कि वापस वही चीज मैं बोलूंगा, यू आर द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ऑफ द फैमिली। दिक्कतें तो आएंगी, बट अगर आप सच में एक चैंपियन हो तो इससे बिल्कुल गिव अप नहीं करोगे और इसी चीज को आगे लेके चलोगे। और वो जो टैग अभी आपके सामने भगवान ने दिया है ना, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, अपने पास ही रखोगे वो मेडल, मत छीनने दो यार। मैं नहीं चाहता आपके आगे आने वाली जनरेशन अपने आप को फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बोले, वो ऑलरेडी बोलना चाहिए यार मैं सेकंड जनरेशन हूँ, मेरे पापा या मम्मी या फिर भाई बहन ऑलरेडी कर चुका है। तो जो टैग, जो मेडल आपके पास अभी है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में। स्लोली स्लोली आंख खोल लो। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अच्छा फील आया कुछ? बहुत बढ़िया। लगा कुछ कि आप अच्छा कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है।